वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है MNC कंपनी की तरफ से। इस वीडियो में अपन कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, डनवी प्रो, टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में जॉब नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। इसमें अपन देखने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली, किस रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग शुरू है, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो बात करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई हुई है कैपजेमिनी कंपनी की तरफ से। तो कैपजेमिनी यहाँ पे हायर करी है SAP SG रोल के लिए। लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है पुणे। देन यहाँ पे अपन सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 3 to 3.7 lakh पर annum तक की आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। देन यहाँ पे 25 स्टूडेंट के लिए ओपनिंग है। 25 स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर लेना। यहाँ पे स्किल की अपन बात करें तो गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए आप लोग के पास में। देन यहाँ पे आप लोग के पास में एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थॉट्स रहने चाहिए। देन सेल्फ स्टार्टर रहने चाहिए आप लोग। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट की अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप BCom, BSc, BCA, BE, BTech, BAF, देन BMS, BBA वाले कैंडिडेट हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 2019, 2020 एंड 2021 ईयर ऑफ पास आउट के स्टूडेंट उन लोगों को चाहिए। 50% यहाँ पे आप लोगों को क्राइटेरिया होना चाहिए। नो एजुकेशन बैकलॉग होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी आप लोगों के एक्टिव बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ओके, अंडर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो कोई भी स्पेसिफिकेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी यहाँ पे उन लोगों ने गिवन नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले ही अप्लाई कर सकते, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्पेसिफिकेशन वाले। ओके, जस्ट यहाँ पे आप लोग के पास में 50% क्राइटेरिया होना चाहिए, और आप लोग 2019, 2020 और 2021 बैच वाले स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन गिवन है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है और आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। बात करते हैं अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई हुई है विप्रो कंपनी की तरफ से। तो विप्रो यहाँ पे हायर कर रही है BE BTech कैंडिडेट को, जिसके पास में 60% होना चाहिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन में। मैक्सिमम आपका 1 active बैकलॉग यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम तक। उसके बाद में CS, IT, सर्किटल, मैकेनिकल वाले कैंडिडेट उन लोगों को चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग 2020-22 गिवन है यहाँ पे। 3 year ऑफ गैप अलाउ इन एजुकेशन 10th to graduation के बीच में। ओके, नो गैप अलाउ इन ग्रेजुएशन पीरियड, यहाँ पे आप लोगों का जो ग्रेजुएशन शुड बी कम्प्लीटेड विद इन अ 4 year में ही आप लोगों का आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि BE BTech वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट है यहाँ पे 25। अब इवोल्यूशन प्रोसेस की अपन बात करें तो रजिस्ट्रेशन होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, देन यहाँ पे उसके बाद में आप लोगों को एक असिस्मेंट टेस्ट देनी पड़ेगी, देन बिजनेस डिस्कशन होगा, फिर लेटर ऑफ इंटर्न होने वाला है और ऑफर लेटर आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, कंपनसेशन पर annum की यहाँ पर बात करें तो 10 lakh प्लस आप लोगों को 1 lakh रिटेंशन बोनस स्प्रेड आफ्टर 1 year कम्प्लीशन एंड मर्ज टू CTC आफ्टर 1 year। ओके, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है। सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है विप्रो कंपनी में, काफ़ी अच्छे पैकेज पे यहाँ पे विप्रो हायर कर रही है। अगर आप लोगों को ये जॉब के लिए अप्लाई करना है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी अपनी विप्रो कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी अपडेट दे देती हूँ। अगर आप लोगों को 5 to 40 lakh पर तक का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे गारंटी CTC के साथ में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में। उसके लिए आप लोगों को न्यूटन सूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल। बात करते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आई है कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। तो कॉग्निजेंट यहाँ पे हायर कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद रहने वाली है। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किल यहाँ पे गिवन है, क्या क्या स्किल है वो देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे स्किल में गिवन है आपके पास में स्प्रिंग बूट का नॉलेज होना चाहिए, देन माइक्रो सर्विस आप लोगों को पता रहनी चाहिए और कोर जावा आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग के पास में ये स्किल है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। शिफ्ट आप लोगों का डे जॉब रहने वाली है। देन यहाँ पे आपका एम्प्लॉय स्टेटस फुल टाइम रहने वाला है एम्प्लॉय के। ट्रैवल यहाँ पे नो है। ओके, अगर आप लोगों को ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आपको आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में भी अप्लाई हो जाओगे।
तो ये थी अपनी कॉग्निजेंट कंपनी के बारे में। अब चलते हैं अपनी फोर्थ जॉब नोटिफिकेशन पे। बात करते हैं अपनी फोर्थ जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से। तो टेक महिंद्रा यहाँ पे हायर कर रही है डीबी टेक महिंद्रा हायरिंग के लिए। वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 to 2 ईयर का। मीन्स यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है। देन यहाँ पे पैकेज है 50,000 to 2 लाख पर एनम तक का। देन लोकेशन यहाँ पे गिवन है कोलकाता। यहाँ पे अपन बात करें डेजिग्नेशन की, तो किस रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। देन मैंडेटरी है यहाँ पे मिनिमम एचएस पास रहना चाहिए आप लोग। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एक्सीलेंट आप लोगों की वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इन इंग्लिश इन हिंदी। ओके, देन यहाँ पे आप लोग के पास में लैपटॉप और डेस्कटॉप अनेबल विद ओरिजिनल वर्जन ऑफ विंडो 10 एंड कनेक्टेड थ्रू वाईफाई मस्ट हैव एंटीवायरस। ओके, और अगर आप लोग के पास में आप लोग रेडी हो 24/7 शिफ्ट के लिए तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 9 आवर का आप लोगों का वर्किंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों का 8 आवर आप लोगों का वर्क रहेगा और 1 आवर आप लोगों का ब्रेक रहने वाला है। इमीडिएट ज्वाइनर उन लोगों को चाहिए। देन यहाँ पे आप लोगों के पास में 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए आप लोगों की टाइपिंग स्पीड में। बात करें इंटरव्यू स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या इंटरव्यू स्ट्रक्चर होने वाला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में एचआर राउंड होएगा, देन आप लोगों का ओपीएस राउंड होने वाला है और क्लाइंट राउंड होने वाला है। ये सब आप लोगों का वीडियो कॉल पे होएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सैलरी मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो फ्रेशर्स है उनके लिए 1.72 लाख पर एनम तक की रहने वाली है, जो कि मंथली आप लोगों को 12,000 मिलने वाले है। और जो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे 2 लाख पर एनम तक की सैलरी मिलेंगी, और जिसको मंथली आप लोगों को 15,000 पर मंथ मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो एजुकेशन मार्कशीट चाहिए आप लोगों की, देन आधार कार्ड चाहिए विथ कम्प्लीट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में पैन कार्ड चाहिए आप लोगों का, एक्सपीरियंस लेटर होगा तो वो आप लोगों का चाहिए। ओके, अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है एज अ टेक महिंद्रा कंपनी में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रजिस्टर टू अप्लाई या फिर लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है, आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी 4 लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन एमएनसी कंपनी की तरफ से आई हुई। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।